हाँ जी, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। भाई जान, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो ना? मजे में हो? तो आज भाई काफी ज्यादा जो है वो सीरीज हो रही है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो भाई सबसे मेन चीज के मैं काफी दिनों बाद आ रहा हूँ क्योंकि भाई कोई सीरीज चल ही नहीं रही थी, तो मैंने सोचा एक दफा ही आऊंगा। और भाई दूसरी बात ये कि तीन तीन सीरीज में पाकिस्तान जो है वो टॉप सीरीज पे है, यानी कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के 5 T20 की सीरीज चल रही है, और दूसरी तरफ इंडिया और अफगानिस्तान की सीरीज भी चल रही है, और फिर ODI सीरीज भी चल रही है, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की। सबको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज को, जो कि 5 मैच की सीरीज है। पहला मैच जो है वो आज हो चुका है ईडन पार्क के अंदर, और अच्छा मैच हुआ है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो भाई आज लिटरली जनरली भाई आज पाकिस्तान काफी बेहतर खेला है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, पाकिस्तानी टीम जो है वो है ही T20 टीम। ये टीम परफेक्ट टीम है भाई पाकिस्तान के लिए, जो कि वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई कर सकती है, और क्वालिफाई करने के साथ साथ अच्छा परफॉर्मेंस भी दे सकती है, जैसे आज इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। चंद मिस्टेक्स हैं जो कि मैं आज बात करूंगा, तुम लोगों को भी शायद नोट की होंगी, मैंने भी ये नोट किया है, और तुम लोग जानते हो कि भाई मैदान के अंदर और बात होती है, बाहर बैठ के और बात होती है, लेकिन ये मिस्टेक्स होती ही कॉमन है जो कि हम डिस्कस कर रहे होते हैं वीडियोस के अंदर। तो सबसे पहले भाई टॉस जीत कर पाकिस्तान ने बॉलिंग का फैसला किया। शाहीन शाह अफरीदी की पहली कैप्टनसी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, और बेहतरीन कैप्टनसी भाई आगाज उसने लिया, और फिर उसी तरह जो है हम जिस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं, उसने पहले ओवर के अंदर ही डेविड कॉनवे को पहली बॉल के अंदर ही आउट कर दिया था, और ये देखते साथ ही हम भाई थोड़ा सा चौंक गए थे। वो हमारी मेमोरीज रिवाइंड हुई थी जब भाई वर्ल्ड कप के अंदर शाहीन शाह अफरीदी ने आउट किया था इंडिया के खिलाफ, और रोहित शर्मा को भी आउट किया था, और फिर KL राहुल को भी आउट किया था। तो भाई बड़ी मेमोरीज थी। खैर उसने कमबैक किया था और बेहतरीन बॉलिंग की, और फिर अगले ओवर में ही उसका कुटापा चाड़ दिया था एलन ने। ठीक है, तकरीबन 20-30 रन बटोरे थे उस ओवर में, सेकंड ओवर के शाहीन शाह अफरीदी के। खैर भाई आगाज तो ले लिया। कुछ मिस्टेक्स में हमारी सबसे पहले मिस्टेक वही होती है कि हम मिस फील्डिंग कर रहे थे, और बहुत सी जगहों पर मिस फील्डिंग की थी, मिस अंडरस्टैंडिंग भी थी हम लोगों की, जो है वो फील्डिंग के दौरान बहुत सी मिस्टेक्स हो रही थी। हम एक्स्ट्रा रन दे रहे थे। आमिर जमाल की नो बॉल पे जनाब उसने विकेट ली है, वो बॉल नो हो गई जिसकी वजह से वो उसके विकेट भी रह गए थे। खैर एलन तो जल्दी आउट हो गया था। दूसरी बात, हमने केन विलियमसन को भाई ग्रीस के ऊपर सेट होने का मौका दिया, उसको भाई उसकी जो है प्लेस ऑफ द बैट जो बॉल आ रही थी उसको भाई उसको फुल दी है बॉल, जिसकी वजह से उसने भी थोड़ी बहुत इनिंग खेली है। डेविड मिचेल जो कि भाई बहुत अच्छी इनिंग खेल के गया, प्लेयर ऑफ द मैच भी है, 27 बॉलों में तकरीबन उसने 61 स्कोर किया है। पिच जो थी ना भाई वो इसी तरह की थी, इतना ही स्कोर बना क्योंकि ग्राउंड भी छोटा था, तो तकरीबन इतना ही 250-200 रन का टारगेट आराम से जाना था, चाहे वो आप शुरू शुरू में विकेट ले लेते। यहाँ पे मेन किरदार ये था कि भैया आप जो बॉलिंग करके कुछ ऐसा कंट्रोल करते, कुछ ओवर जिस तरह तुमने देखा था कि टीम साउथी ने कुछ मिडल ओवर्स जो हैं वो मेडन कराए हैं पाकिस्तान को, मेडन से मुराद एक एक दो दो रन दिए, साथ साथ विकेट भी लेता रहा, वो 4 विकेट उसने लिए। तो इसी तरह का अगर हमारा भी कोई बॉलिंग अटैक होता तो कहीं ना कहीं हम जो है इनको भी तकरीबन 170-180 या 200 के करीब ढेर कर देते। 226 उन्होंने हमें मारा, लास्ट ओवर में भी तकरीबन 1-2 छक्के पड़ गए थे हमें और कंट्रोल नहीं हो पाया। खैर हमारे पास कोई भाई बॉलर ही नहीं है, हम बार बार इस चीज का रोना रो रहे होते हैं, भाई पाकिस्तानी टीम को तुम T20 ही खिलाओ डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर टेस्ट के लिए, पाकिस्तान को अलहदा प्लेयर्स जनाब इनको ला के दो ताकि टेस्ट में वो अलहदा परफॉर्म करें, ODI में अलहदा परफॉर्म करें, T20 में अलहदा परफॉर्म करें। T20 की सबसे बेस्ट टीम है पाकिस्तान की, बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ। एक दो और चेंजेस भी कर लें, 226 के टारगेट दे दिया, केन विलियमसन ने भी 50 की, डेविड ने भी 50 की है, और एलन ने भी कोई 30 के करीब स्कोर किया है, फिलिप्स भी थोड़ा बहुत सही खेल के जा रहा था, शुक्र को उसको नहीं पीटने दिया वरना वो भी धो के जाता पाकिस्तानी टीम को। खैर 226 के टारगेट मिलने के बाद पाकिस्तान ने जो स्टार्ट लिया है ना भाई, तबाही, बहुत बेहतरीन खेले हैं भाई लड़के, मजा आ गया भाई। सबसे मेन चीज तुम चेक करो साइम अयूब की, उसकी फ्लिक्स शॉट्स चेक करो, इस तरह वो कॉन्फिडेंट से खेल रहा था ना भाई, मैं कहता हूं अगर वो खड़ा हो जाता ना 50 रन बना लेता तो तुम लोगों का आराम से तकरीबन ये स्कोर चेज हो रहा था। बेहतरीन वो लड़का खेल के गया साइम अयूब, और उसके बाद रिजवान भी उसके साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन बना रहा था। साइम अयूब के आउट होने साथ ही उसके बाद बाबर आया रिजवान के साथ और वो भी अच्छा खेल रहे थे, फिर रिजवान भी आउट हो गया। रिजवान यार यहाँ पे हम थोड़ा सा किसकी मिस्टेक है कि रिजवान जो है वो रन बनता ही नहीं था, रिजवान को पहले ही चाहिए था कि भाई वो उसे रोकने का इशारा कर देता। यार भाई हो जाता है मैदान में कभी कभी इस तरह की, कुछ पता नहीं चलता क्योंकि ये सडन जो है वो प्लानिंग होती है कि भाई हम रन लेना है नहीं लेना, क्विक रिस्पॉन्स अगर नहीं आता तो भाई इस तरह के रन आउट हो जाते हैं, कोई बात नहीं। साइम अयूब स्लिप भी होगा था जिसकी वजह से भाई वरना वो रन आउट ना होता शायद। ठीक है, उसके बाद बाबर आया उसने भी अच्छी परफॉर्मेंस की, उसके बाद रिजवान भी आउट हो गया, अच्छा खेल रहा था रिजवान भी, नो डाउट अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था भाई। बेस्ट टीम है T20 की, मैं तुम्हें बताऊं वर्ल्ड कप में बार बार ये कह रहा हूं कि वर्ल्ड कप में ये टीम बेस्ट रहेगी पाकिस्तान के लिए, बस 1-2 चेंजेस कर रहे हैं, लाइक स्पिन को हमने ऐड करना चाहिए ताकि कोई जो है स्पिन के लिए अच्छा जो है परफॉर्म कर सके पाकिस्तानी टीम की तरफ से। उसके बाद जनाब हमारा फखर जमान आया, वो भी अच्छी फॉर्म में था, एक छक्का उसने भी मेरे ख्याल में मारा, कोई पटाखे वाला मारा है भाई, जबरदस्त किस्म का छक्का गया था। उसके बाद उसने इस सोदी ने उसको घेर लिया, अच्छा कैच लिया। मैं तुम्हें एक मेन चीज बताऊं, न्यूजीलैंड अगर तो जीता है ना वो मैच भाई, वो उनकी फील्डिंग की वजह से। इस सोदी ने इतना बेहतरीन कैच पकड़ा, उसके बाद पीछे जो बैक साइड पर पोजीशन जो है वो कवर कर रहे थे, वो चौके जाने नहीं दे रहे थे भाई, अच्छी फील्डिंग की वजह से ही वो मैच जीते हैं। उसके बाद बाबर की जो मेन बात है ना, आज तुम्हें बाबर परफॉर्म करता हुआ नजर आया कि नहीं भाई? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि अगर
अंदर ये कैप्टनसी से हट गया तो तुम्हें इसके आने वाले दौर के अंदर तुम्हें ये कम बैक करता हुआ नजर आएगा। तुमने देखा कि टेस्ट में ये चल नहीं रहा था, अब तुम देखना ये भाई इसी तरह इंशाल्लाह माइलस्टोन जो है बनाता जाएगा। ओवरऑल मैं अगर तुम्हें बात करूं, पाकिस्तान जो है बैटिंग में बेहतरीन खेल के गया, क्योंकि भाई आज छोटी बाउंड्री से जिसकी वजह से स्कोर उन्होंने भी मारा, पाकिस्तान ने भी मारा, सिर्फ विकेट लॉस होने की वजह से मैच जो है वो हारे हैं, और फील्डिंग मिस फील्डिंग की वजह से वरना हारे, वरना मेरा नहीं ख्याल कि आज जो है वो मैच हमारे हाथ से निकल रहा था। 226 की तरफ भी पाकिस्तान अच्छी फाइट करते हुए नजर आ रहा था, जिसमें मेन किरदार जो था ना वो बाबर का ही था। शुरू में उसने जनाब तकरीबन 10 बॉलों पे तकरीबन 11 स्कोर था, और उसके बाद उसने 35 बॉलों पे 56 रन बनाए हुए थे, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तानी टीम के लिए। साइम अयूब भी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, इसी तरह वो खेलेगा उम्मीद तो है। रिजवान भी अच्छा खेल रहा था, उसके बाद आजम खान नहीं चल रहा पाकिस्तानी टीम में, इफ्तिखार भी आज ज्यादा कुछ अच्छा करता हुआ नजर नहीं आया, फखर जमान भी। तो अगर ये कोई इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन बन गया ना भाई, एक आधा कोई और 50 मार लेता तो अच्छा हो जाता, अगर इसी तरह परफॉर्मेंस देते रहे तो अच्छी टीम बन जाएगी। बस हमारा जो है वो बॉलिंग डिपार्टमेंट और फील्डिंग डिपार्टमेंट अभी भी कमजोर है, जिसकी वजह से हम मार खा रहे हैं। बहर भाई प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो डेविड मिचेल है, और अब देखेंगे भाई नेक्स्ट मैच जो है वो 14 को है, आई थिंक हाँ 14 को ही है, आज जो है वो 12 है, परसों जो है वो दूसरा मैच होगा इनका T20, तो देखने वाला तो होगा, मजा तो आएगा भाई। यही बात है मैं तुम्हें पहले बताता हूँ, 3 घंटे का मैच हो यार, सुकून से हम मैच देखें, उसके बाद अपने अपने काम को हो लें, ठीक हो गया। दूसरी तरफ भाई इंडिया और अफगानिस्तान की सीरीज चल रही है T20 की, तो भाई पहला मैच जो है वो अफगानिस्तान हार चुका है, लेकिन मुझे एक चीज अच्छी लगी भाई अफगानिस्तान की, तुम नोट कर लो, ये आने वाले टाइम के साथ साथ बहुत इंप्रूवमेंट करते जा रहे हैं यार। इंडिया को इन्होंने 158 या 150 प्लस स्कोर मारा T20 के अंदर, इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि भाई ये कितना ग्रूम कर रहे हैं अफगानी, भाई बहुत अच्छा खेल रहे हैं यार ये लोग। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये एक ऐसी टीम होती थी कि भाई इनसे 100 नहीं टपरा होता था, अब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने लग गए। इन्होंने तो हारना था, नो डाउट भाई इंडिया पावरफुल टीम है, इसकी वजह से इन्होंने तो हारना था, लेकिन इनका जो है वो ग्रूमिंग लेवल चेक करो कि भाई ये लोग इतना T20 के अंदर भी इतना रीजनेबल टारगेट परफॉर्म कर रहे हैं और बेहतरीन खेल रहे हैं भाई। अफगानिस्तान को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, बेहतरीन वो टीम खेल रही है। खैर वो इंडिया जो है वो जीत चुका है, डुबे पता नहीं कोई इस तरह का डुबू पता नहीं इस तरह का प्लेयर आया हुआ, उसने भी 50-60 स्कोर मारा है, और शुभमन गिल भी कोई 20-30 के करीब स्कोर मार के गया है, और क्या कहते हैं अपना शर्मा जी जो है वो भी तकरीबन 0 पे आउट हो गए हैं, और कोहली को मेरे ख्याल में इन्होंने नहीं खिलाया हुआ था, कोहली को जो है वो रेस्ट दे रहे हैं, वो कहते हैं भाई हम कोहली को रेस्ट देके एक दफा ही उनका जो है माइंड सेट किया हुआ कि हम इसको एक ही मैदान में उतारेंगे, और भाई इतने वो इतने कोई शातिर है, इतने कोई शार्प माइंडेड लोग है ना कि भाई उन्हें पता है कि हमें बड़े इवेंट में एक बड़े किंग को खिलाना है, और वो और किंग को चेक करो भाई, वो एक बंदा ऐसा है कि अगर वो छुट्टी पे जा रहा है ना, मतलब अगर वो हॉलीडेज मना रहा है तो उसमें भी वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है, और उसने बड़े मैदान में आके परफॉर्मेंस देनी होती। दूसरी तरफ जिम्बाब्वे और श्रीलंका की सीरीज चल रही है, तो जिम्बाब्वे जो है वो हार रहा है, ये सीरीज डिस्कस करने वाली नहीं ही है मेरे ख्याल में, क्योंकि भाई जिम्बाब्वे कोई टीम नहीं है, ठीक है, और श्रीलंका जो है उन पर फुल तरीके से हावी आया हुआ है, 2 मैचेस मेरे ख्याल में जीत चुका है, सीरीज भी जीत चुका है, 1 मैच रह गया उनका और तकरीबन वो भी जीत जाएंगे। पिछला मैच तो मेरे ख्याल में इन्होंने तकरीबन 96 पे ही आउट कर दिया था, हसारंगा है पता नहीं कौन है, उसने तकरीबन 7 विकेट लिए हैं और 5.5 ओवर्स कराए थे, 19 रन दिए हैं, 7 विकेट ले गया, वो सारा इनको वो बटोर गया जिम्बाब्वियों को, ठीक है। और ये चल रहा है भाई क्रिकेट की दुनिया में, मैं जो है वो फिर सोच रहा हूँ कि अगली वीडियो बनाऊं, क्योंकि भाई अब अपडेट्स जो है वो साथ साथ मुझे देखनी पड़ती हैं, अभी कोई रीसेंट अपडेट नहीं है जो तुमसे मैं शेयर कर सकूं, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर, और क्या कहते हैं T20 जो मैच होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं वीडियो क्लोज करता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, मैं मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह Lasciami, ma di più mogo da stessa, un, dos, tre, se chi discari.